गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है? सब ठीक ठाक। आज हमारा राइड का तीसरा दिन है, तीसरा सुबह, और हम कल आरकू से आ गए थे वाइजाग सिटी। यहाँ पे हम बीच में रुके हैं, बीच का बगल में, और कल थोड़ा परेशानी हुआ था रुकने के लिए। अलाउ नहीं कर रहे थे पुलिस यहाँ के कि रुकना उकना नहीं है, रेस्ट्रिक्शन है बोल के। लेकिन जैसे तैसे उनको परमिशन मांग के रुक गए, लेकिन फिर भी वो 2-3 बजे तक का ही परमिशन दिया था, और हम लोग रात भर रुक गए थे यहाँ पे। और अभी कुछ जगह वगैरह घूम के 3-4 बजे तक निकल जाएंगे उड़ीसा के लिए। और जहाँ पे हम रुके हैं अभी, हम लोग आपको हम व्यू दिखाते हैं यहाँ का, पसंद आएगा आपको। गाड़ी बुला रही है, हम हमारा टेंट है, यहाँ पे सोए थे हम, सामान वामान दिया है। रहा छपरी एंटी है ना, ये देखो भाई, व्यू देखो यहाँ का कितना सुंदर है। ये बीच और रात को जो दिनेश भाई, जो अपना दिनेश रेड्डी है, वो हमको ज्वाइन किए थे, और रात को ही मेरा बाइक लेके वो चले गए थे घर। उनका घर ही पास में, 7-8 किलोमीटर पास में है। तो अभी पोंगल का टाइम है, तो उनका घर में कोई रिलेटिव आया हुआ है, तो भाई बोले कि नहीं मेरे को जाना ही है, तो उनको भेज दिए थे, तो अभी आए हैं। हेलो दिनेश भाई, गुड मॉर्निंग। दिनेश भाई अभी आए हैं, कल रात को चले गए थे घर, क्योंकि उनके घर में कोई रिलेटिव आए हुए हैं, तो इसीलिए वो बोले कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा, तो हमारे साथ स्टे नहीं कर पाए, तो वो घर गए थे। अभी आए हमारे साथ, ज्वाइन किए हैं, अभी हमारे साथ थोड़ा घूमेंगे, वो कुछ प्लेसेस दिखाएंगे। तो ठीक है, बने रहिए साथ और देखते हैं आगे कहाँ जाते हैं। बल्लू क्या कर रहा है? बल्लू इधर सब सामान रख रहे हैं। अच्छा, भाई लोग को बीज दिखाया कि नहीं दिखाया? बीज दिखाया भाई लोग को, और बताओ। भाई लोग को बीज दिखाने के बदले सबको सब्सक्राइब करने बोलना। हाँ, सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, अपना चैनल का नाम है ऑडी 2 फॉर राइडर। यस, और इंस्टाग्राम में भी ऑडी 2 फॉर राइडर ही है, तो प्लीज फॉलो कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो अपना सब बैग पैक हो गया है, सब बैग पैक रेडी कर लिए हैं, अभी यहाँ से निकलेंगे। विशाखापट्टनम में 2-4 जगह जाएंगे घूमने के लिए, सब रेडी हो रहे हैं। अभी ये टेंट वेंट, 2 टेंट अपना खोल के अपना ये बैग पैक में ये कर लिया, और ये और एक खोल रहे हैं लास्ट वाला। अभी दिनेश भाई आएंगे,
दिनेश भाई अपने घर गए फ्रेश होने के लिए, वो आएंगे फिर हमको वाइजैक टूर दिलाएंगे आज, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी हमको घूमने में। अगर 4-5 बजे तक कवर कर ले तो निकल जाएंगे घर के लिए आज, वरना शायद तक आज भी रुकना पड़ सकता है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, का थोड़ा इमरजेंसी है, वो जाएगा बोल रहा है, अगर नहीं घूम पाए हम पूरा विशाखापट्टनम तो हम रुक भी सकते हैं, और नहीं भी देखो क्या टाइमिंग से क्या होता है। देख रहे हैं कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है गाड़ी निकालने के लिए। हेबने आउ टिके आउ टिके। आप सब दोस्त है? हाँ सब दोस्त। हाँ जिगरी दोस्त? हाँ जिगरी दोस्त। अरे यार वो बहुत कमाल की बात है, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ऊपर वो छोटा छोटा घर कितना मस्त लग रहा है ना। अभी बज रहा है दिन का 2:34 PM, हम लोग विशाखापट्टनम से अभी निकल रहे हैं। ये अपना ऋषिकुंडा वाला सी बीच है, यहीं पर हम लोग कैंपिंग किए थे, ये जो अपना सी बीच है यहीं पर कैंपिंग किए थे, और अभी निकल रहे हैं। अभी लंच करेंगे, हम लंच नहीं किया है, लंच करके ही सीधा से चलेंगे हम सीमांचलम। टिकट कहाँ काटना है? टिकट कहाँ मिलेगा? टोल गेट टिकट है। कितना? 10 रुपये ले। एक भाई, एक गाड़ी के 10 रुपये। कहाँ से? ये राउंड सर्कल के ना? नीचे? हाँ नीचे राउंड सर्कल है। हाँ राउंड सर्कल को मिले। ठीक है, तमन टिकट धर के आज उठे पत्थर उठे टिकट काटो तोड़ा को दंड। 5 bike 10 rupees change 10 rupees change है ना? चेंज नहीं, नहीं नहीं, पांच टिकट पांच। हाँ पांच बाइक। सो गाइस पर बाइक 10 rupees का एक टिकट है। अभी यहाँ दे देंगे 5 टिकट और चले जाएंगे।
बाइक एपटे पार्किंग कर देवा पूजा चल रहा है क्या है हम उड़ीसा से हैं सर तो हम जानना चाहते हैं कौन सा पूजा चल रहा था रापत उत्सव है अध्ययन उत्सव चल रहे हैं अभी चल रहा है अध्ययन उत्सव अभी 20 सेकंड तक है आज है वामन अवतार में भगवान का त्रिविधि हुआ है ये वामन अवतार में 10 दिन की दशावतार में अलंकार करते हैं डिफरेंट अलंकार आज है वामन अवतार कल त्रिविक्रम अवतार ऐसा है ठीक है 22 तक है ये बहुत बहुत पुराना मंदिर है वराह नृसिंह भगवान है बहुत अच्छा से यहाँ पे उत्सव चल रहे हैं ठीक है थैंक यू सर विशाखापट्टनम से निकलने का वक्त आ गया है सो लेट्स सरे अन्ना सरे लेट्स गो सो माय डियर फ्रेंड्स अभी हम विशाखापट्टनम राइड का लास्ट लोकेशन जो कि था सीमांचलम विजिट करके निकल रहे हैं काफ़ी अच्छा ब्लॉग बना यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे भागुची रोना हाईवे रे हैं गाड़ी तो मतलब डोर लगी जाउची रे भूल कि नहीं ना रे 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 से टिके पोछरा बे नहीं दे तो मत सी गाड़ी दे इटा चला मागम देखवा की सोची कोची इती नहीं अरे रेडिएटर नहीं जी धुआं खाली बाहर गाड़ी 158 158 160 जे छुए जी बुझला आउरी जीवो जे दिनो बेले हेले हेबो बुझलु होटा थोटा को लोको टिके देखा कोले से ऑटोमेटिक ब्रेक मारी हो जाउ छी रिकॉर्ड अछि एबे मोर नाही मु 159 50 60 जे छुए छी एबे जान रो बढाइबो कोले से रिकॉर्ड हे जो आइ रे नाही 161 61 उठि नाही 159 160 जे नै छी ओके तो
ଧାଉଁଛି ତ ମୋର ପିଲାଟା ମୋର ପିଲାଟା ଧାଉଁଛି ତ 130 ପରେ ଧବଧବ ହେବାଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଧବଧବ ବୋଲେ 130 ପରେ ଧବଧବ ବୋଲେ ଏକ୍ସିଲେରେସନ ଟିକେ ଟିକେ ଏମିତି ଏମିତି ହେବ ରେଡିଏଟର କ'ଣ ଚାଲୁ ର ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ରହିଯା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଗାଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେ ନାଇଁ ଏବେ ତୁ ଚଲେଇଲେ ବି ନା ପବନ ବାଜିକି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ଚାଲେ ଲେଟ୍ସ ଗୋ ୱାନ୍ ରେସ୍ ନୋ ମମ୍ ସେଜ୍ ନୋ ରେସ୍ ଏ ସିଧା କେତେ କିଲୋମିଟର ପରେ ରାମଭଦ୍ରପୁରମ୍ ମୁଁ ରହିବି ଚାଲ विजयनगरम पहुंच गए हैं। ये विजयनगरम टाउन अच्छा खासा बड़ा टाउन है। अभी हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा रामभद्रपुरम, जहां हम डिनर करेंगे। रामभद्रपुरम में एक दो ढाबा है, बहुत ही अच्छा है, खाना बनाते हैं वो। गाइस, आपको वीडियो में दिख रहा होगा या नहीं, पर पूरा कोहरा छाया हुआ है, पूरा कोहरा। साइड 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 और देख रहे हो गाइस, यहाँ पे कोहरा ही कोहरा है गाइस। हमको रास्ता तक दिख नहीं रहा, ये सालूर गाठी है और वाइजक से आते समय पड़ता है सालूर घाटी। देख सकते हो आप इतना ज़्यादा कोहरा है यहाँ पे। ये हम ऊपर तरफ चले आए हैं घाटी चढ़ के। गेवरा में तक घुस जम गया है दोस्तों, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या था। बाय बाय। फाइनली सुनावड़ा पहुंच गए हैं। अभी रूम में सो जाएंगे। करीब करीब 1 बज रहा है अभी, माने 5-6 घंटा सोएंगे। आराम से 6-7 बजे उठ के फिर चलेंगे उमरकोट। फिलहाल रेस्ट। हाँ,